अगर ये लक्षण है तो फौरन अपना शुगर टेस्ट कराएं। प्रारंभिक अवस्था में शुगर के लक्षण ये है, बार बार पेशाब आना, हमेशा थकान रहना, शरीर में दर्द, धुंधला दिखना, ज़्यादा भूख लगना आदि। लेकिन लोग इन डायबिटीज़ के लक्षण की पहचान नहीं कर पाते और नज़रअंदाज कर बैठते हैं। ज्ञात रहे कि शुगर की बीमारी एक दिन में नहीं होती है, यह सालों से आपके अंदर ही अंदर पनप रही होती है और इसका पता तब लगता है जब दिक्कत ज़्यादा होने लगती है। आजकल की अनियमित जीवन शैली के कारण शुगर की बीमारी बहुत तेज़ी से लोगों में फैल रही है। पहले यह बीमारी 40 की उम्र के बाद ही होती थी, लेकिन आजकल शुगर छोटी उम्र में या बाल्यावस्था में भी हो सकती है। शुगर की बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे केवल कंट्रोल में किया जा सकता है। अगर खान पान और दिनचर्या का ध्यान रखा जाए तो शुगर के मरीज़ भी नॉर्मल और लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन अगर परहेज़ ना किया और शुगर बढ़ती रही तो ये आपके जीवन के 15 साल कम भी कर सकती है। डायबिटीज़ को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, शुगर धीरे धीरे आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कम करती जाती है। आपके शरीर में अगर चोट लग जाए तो घाव भरने में भी दिक्कत होती है। आपकी किडनी, लीवर और धीरे धीरे आपके हृदय की क्षमता भी घटती जाती है। इस तरह धीरे धीरे शुगर रोगी को मौत के मुंह में ले जाती है, इसीलिए इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। शुगर को सब बीमारियों की माँ भी कहा जाता है। एक बार शुगर की बीमारी हो जाए तो रोगी के अंदर छोटी छोटी कई अन्य बीमारियाँ जन्म ले लेती है। शुगर के मरीज़ का ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में नहीं रहता, हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है, ज़्यादा दवाइयाँ खाने से किडनी भी फेल हो सकती है। इसलिए डायबिटीज़ को सब बीमारियों की माँ भी कहा जाता है। शुगर के लक्षण, आइए हम आपको मधुमेह के लक्षण बताते हैं ताकि आप खुद अपनी देखभाल कर सके और समय रहते मधुमेह की पहचान कर सके। बार बार पेशाब आना, शुगर के मरीज़ को बार बार पेशाब की समस्या होती है और ख़ास तौर से रात में। अगर रात में 3 बार से ज़्यादा पेशाब जाना पड़े तो अपना शुगर लेवल चेक करा ले, क्योंकि यह शुगर का शुरुआती लक्षण है। बहुत ज़्यादा प्यास लगना, शुगर के रोगी को बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है और इस तरह उसके शरीर में भी पानी की कमी हो जाती है तो रोगी को बार बार तेज़ प्यास लगती है। अत्यधिक भूख लगना, शुगर के मरीज़ का भोजन सही से नहीं पच पाता और इसीलिए शरीर में एनर्जी नहीं पहुँच पाती, और जब शरीर में एनर्जी नहीं पहुँच पाती तो शरीर फिर से खाना मांगता है। इस तरह रोगी को खाना खाने के बावजूद बार बार और जल्दी जल्दी भूख लगती है और इसका नतीजा यह होता है कि शरीर में एनर्जी तो नहीं पहुँच पाती लेकिन मोटापा बढ़ जाता है। थकान रहना, मेहनत करके थकान होना तो आम बात है, लेकिन अगर बिना कुछ काम किए भी लगातार थकान सी रहने लगे तो यह शुगर की निशानी है। थकान का कारण यही होता है कि जितना आप खाना खाते हैं शरीर में उतनी एनर्जी नहीं पहुंच पाती। आलस्य और नींद ज़्यादा आना, रोगी को हर समय नींद और आलस्य आता रहता है, यहाँ तक कि रात भर में सोने के बाद भी ऑफिस में भी तेज़ नींद आती है। रोगी का किसी काम में मन नहीं लगता और कहीं बाहर घूमने जाने का मन नहीं करता, हमेशा आराम करते रहने का मन करता है। जख्मों का देर से भरना, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि शुगर में रोगी की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और अगर कहीं चोट लग जाए तो रोगी के घाव भरने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और कई बार अगर शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो घाव भरते भी नहीं है। हाथ पैर कांपना, शरीर में जब शुगर की मात्रा अनियंत्रित हो जाती है तो रोगी के हाथ पैर कांपने लगते हैं और कई बार हाथ और पैरों में सुन्नता का भी अनुभव होने लगता है। बिना वजह वजन बढ़ना, शुगर के रोगी का शरीर में कैलोरी को पूरी तरह अवशोषित नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से पेट का मोटापा बढ़ने लगता है। इस तरह शरीर काफ़ी बेडोल सा दिखने लगता है, क्योंकि सारी एनर्जी पेट में फैट के रूप में जमा होती रहती है और रोगी का वज़न तेज़ी से बढ़ जाता है। चिड़चिड़ापन होना, शुगर लेवल बढ़ने पर रोगी का स्वभाव बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। रोगी को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है और कई बार रोगी इमोशनल भी होने लगता है और इमोशनल होने के बाद फिर से तेज़ गुस्सा आने लगता है। स्वभाव में ऐसे अगर परिवर्तन आने लगे तो समझे आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है। कभी धुंधला तो कभी साफ दिखना, जब शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो रोगी को सब कुछ धुंधला दिखने लगता है
और जैसे ही शुगर नॉर्मल हो जाती है तो फिर से सब कुछ साफ दिखने लगता है। हालांकि आँखों का कमज़ोर होना शुगर की निशानी नहीं है, लेकिन अगर इस तरह के लक्षण दिखने लगे तो जिसमें कभी साफ तो कभी धुंधला दिखने लगे तो अपना ब्लड शुगर लेवल की जांच अवश्य करा ले। शुगर की जांच कैसे करें? अगर ऊपर बताए कोई भी लक्षण आपको देखने को मिले तो फौरन अपने ब्लड शुगर की जांच कराए। शुगर की जांच करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं जिनको हम बता रहे हैं। फास्टिंग, यह टेस्ट खाली पेट यानी सुबह बिना कुछ खाए पिए कराना होता है। इससे पता चलता है कि आपके खून में सामान्य रूप से कितनी शुगर हमेशा रहती है। अगर फास्टिंग 110 से ज़्यादा आए तो समझिए आपको शुगर है। पीपी यानी पोस्ट प्रांडियल टेस्ट, इस टेस्ट को खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद कराते हैं। इससे पता चलता है कि खाना खाने के बाद आपकी शुगर कितनी रहती है। अगर पीपी की रीडिंग 140 से ज़्यादा आए तो समझिए आपको शुगर है। SBA1C, जब शुगर के रोगी डॉक्टर से दवाइयाँ और परामर्श लेने जाते हैं तो डॉक्टर SBA1C टेस्ट कराने के लिए कहते हैं, क्योंकि SBA1C में आपके पिछले 3 महीने की शुगर का रिकॉर्ड देखा जाता है। अगर SBA1C आपका 6.5 से ज़्यादा है तो समझिए आपको डायबिटीज़ है। तो मित्रों, इस लेख में हमने आपको शुगर के प्रारंभिक लक्षण और शुगर टेस्ट के बारे में बताया। इस लेख को आप अपने परिवार और सगे संबंधियों को भी पढ़ाएं ताकि वो भी अपनी देखभाल कर सकें।